Hi students, in my video today we shall discuss about the tenses, exercise of tenses. Which tense is used in the following sentences? So you will have to tell also and you will follow me also. First sentence is we go to school every day. हम अपने इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के यूज लेकर ही आए हैं, और टेंस यूज लेकर नहीं आए. और प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उन्हीं में से आपने बताना है. तो देखो, वी गो टू स्कूल एवरी डे, बताइए कौन सा टेंस है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, तो कौन सा टेंस होगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. पूरा कर दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट. लो जी, क्योंकि जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे आपको, तो ये आदत वाला सेंटेंस है और फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये जनरल सेंटेंस जो हम जनरली स्कूल में जाते हैं, तो हमारी आदत लगा लो या हमारा कर्म लगा लो, हमारी ड्यूटी लगा लो. द लाइट हैज गोन आउट, बिजली जा चुकी है, ये कौन सा टेंस है बताइए. बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. देखो, हैज गोन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई नेवर टेल लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. आई नेवर टेल लाई, आई प्रोमिस, आई नेवर टेल लाई, टेल लाई. तो ये कौन सा टेंस है यहाँ पर, ये हमारा, ये प्रेजेंट हमारा हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखा, द हेन लेज 5 eggs, जो हेन है मुर्गी है वो 5 अंडे देती है. हाँ जी, ये बताइए कौन सा टेंस हो गया. देखो, लेज एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म का एस या एस लगा हो तो नेचुरल है कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा. ता है, ते है, ती है, आते हैं. ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है. ता है आ गया लास्ट में, वह पत्र लिखता है. पर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है. तो ये भी कौन सा टेंस होगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसके लास्ट में ता आती है, ती आता. द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, लड़कियां हॉकी खेल रही हैं, बताइए कौन सा टेंस है. रहा है, रहे हैं, रही हैं. लड़कियां हॉकी खेल रही हैं, काम चल रहा है, खेल रही है, बताते समय लिखते समय काम चल रहा है. देखो, ये देखो आप, आर प्लेइंग, प्ले ing, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस. शाबाश, खास आप ही सोच रहे थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड. ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, वह चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि वो भूखा है. बताइए कौन सा टेंस है. ही इज क्राइंग लाया हुआ, इज क्राइंग, तो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और इज हंग्री, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. इज भी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, याद रखना, जब अकेली इज आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म मानी जाएगी वो. तो इज क्राइंग, ये है हमारा, इसके अंदर दो आ गए हमारे, एक तो आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और एक आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब ही हैज फिनिश्ड हिज टास्क, वो अपना टास्क पूरा कर चुका है. हैज और के साथ थर्ड फॉर्म आई है, बताइए कौन सा टेंस है. यस, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द गार्डनर has been watering the plant since morning. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है. देखो, has been और first form के साथ ing, तो कौन सा टेंस हो गया, has been या have been में से कोई एक, first form के साथ ing, first form के साथ ing आया हुआ है, अर्थात जीरंड आया हुआ है, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा present perfect continuous. कौन सा होगा, present perfect continuous tense. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब पूजा इज सिंगिंग व्हाइल प्रिया इज डांसिंग, पूजा गाना गा रही है, प्रिया डांस कर रही है, दोनों काम चल रहे हैं. व्हाइल मींस के दौरान, भाई पूजा डांस, पूजा गाना गा रही है, प्रिया डांस कर रही है, तो ये कौन से हो गए दोनों टेंस. देखो, इज, इज और फर्स्ट पर्सन आईएनजी, ये फर्स्ट पर्सन आईएनजी, तो कौन सा टेंस होगा हमारा, दोनों दोनों कौन से हो गए हमारे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो बहुत ही इजी सेंटेंस थे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे सेशन में आ गए होंगे. इसी तरह की शुरुआत करते हैं, सिंपल टू
कॉम्प्लेक्स, अर्थात शुरू में जो हम सिंपल सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो इसी तरह से हम टेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सुन आ गई होगी, और इस तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।